हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये एचपी का M126NW प्रिंटर है, तो इसकी रिपोर्ट निकालेंगे, डेमो पेज। ये बहुत लाइट प्रिंट दे रहा है, तो इसकी डेमो प्रिंट निकालते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, इसकी डेमो प्रिंट निकल चुकी है और बहुत लाइट आई है और लाइट प्रिंट दे रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें इस साइड की जो प्रिंट है बिल्कुल लाइट आ रही है, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है लाइट प्रिंट की। तो चलिए दोस्तों, अब इसको खोलते हैं और देखते हैं ये किस कारण से आ रही है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो इनकी पावर केबल को डालेंगे और फिर पीछे के दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से दोनों स्क्रू को खोल के और दोनों साइड के कवरों को हटाएंगे। तो साइड के कवर को हटाने के लिए यहाँ पर लॉक रहते हैं इसमें, तो इस तरह से लॉक को फिर कर लेंगे और ऊपर की साइड पर भी इस जगह पर लॉक है और नीचे की साइड पर भी यहाँ पर लोगे, तो इस तरह से खोल लेंगे इसको। इस तरह से साइड का कवर हट जाएगा और इसकी पैनल वाली केबल को बैठा लेते हैं यहाँ से और इसके बाद जो आगे वाला फ्रंट कवर है, इसका जो आगे वाला कवर है इसको खोलने के लिए इसमें ऊपर स्क्रू लगे रहते हैं, तो ऊपर के दोनों स्क्रू को खोल लेंगे और फिर यहाँ के लोगों को इस तरह से फ्री कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ नीचे की साइड पर भी लॉक रहते हैं, तो दोनों लोगों को भी हटा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये जो इसका डिस्प्ले पैनल वाला कवर है ये खुल जाएगा और इसमें यहाँ पर जो डिस्प्ले का अर्थिंग है इसकी केबल भी यहाँ पर स्क्रू से कसी रहती है, तो इसको भी खोल लेंगे। स्क्रू को खोलने के बाद इस तरह से ये हट जाएगा। इसके बाद में इस साइड का कवर है, तो इसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। इसमें भी नीचे की साइड पर लॉक रहता है, तो इसको भी इस तरह से फ्री कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से ये साइड वाला कवर खुल चुका है इसका। अब दोस्तों इसके बाद जो इसका इसके अंदर है इसको खोलेंगे, तो इसका इसके अंदर को खोलने के लिए यहाँ से इस लॉक को निकाल लेंगे, हिंज को। यहाँ का हिंज है इसमें, तो इसका हिंज को इस तरह से निकाल लेंगे। और इसके बाद जो इसकी इसके अंदर की केबल है इसको भी यहाँ से निकाल लेंगे सॉकेट से और इसको बाहर निकाल लेंगे ऊपर। निकलने के बाद इस तरह से इसके अंदर हट जाएगा, तो इसको भी हटा के साइड में रख देते हैं। और इसके बाद जो इसका एक कार्टेज वाला कवर है, पहले तो इसके पीछे के स्क्रू खोल लेते हैं दोनों, इस कवर को हटा लेंगे यहाँ से और इस साइड पर यहाँ पर लॉक हुआ रहता है ये, तो इसको भी इस तरह से खोल के इस कवर को भी हटा लेंगे। इसके बाद जो इसका ये ऊपर का सारा कवर है, तो इसमें स्क्रू कसे रहते हैं, तो सभी स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से सभी स्क्रू खुलने के बाद ये कवर है इस तरह से खुल जाएगा।
इस तरह से इसको हटाकर साइड में रख देंगे, और फिर जो इसका पीछे वाला कवर है उसको तो लगा रहने देंगे, और जो इसका लेजर इसके अंदर का जो यहाँ पर ये प्लेट लगी हुई है ऊपर, तो इसके भी सभी स्क्रू को खोल लेंगे। सभी स्क्रू खुलने के बाद इस तरह से ये प्लेट हट जाएगी, यहाँ से ये खुल चुकी है। अब इसके बाद जो इसका लेजर स्कैनर है इसको खोलने के लिए लेजर स्कैनर में जो स्क्रू लगे हुए हैं सभी स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से चारों स्क्रू को खोल कर इसकी केबल को डालेंगे यहाँ से, और एक केबल यहाँ पर भी लगी हुई है तो इसको भी हटा लेंगे। इस तरह से लेजर इसके अंदर बाहर निकल जाएगा, तो फिर इस लेजर इसके अंदर को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डस्ट जमी हुई, इसमें जो इसका लेंस है इसमें डस्ट लगी हुई है, तो इसको खोल कर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इस तरह से यहाँ लोको को डालेंगे तो इसका ऊपर का कवर हट जाएगा। ये इसका ऊपर का कवर इस तरह से खुल चुका है, और फिर जो इसमें डस्ट है इसको ब्रश से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से साफ करके इसको ब्लोअर से हवा से भी साफ कर लेंगे, हवा लगा के इसमें। तो इसमें हवा लगा लेते हैं, तो हवा लगने के बाद अब इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसको वापस पैक कर देंगे। इस तरह से पैक करके और इसको वापस यहाँ पर सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी केबल को लगा लेते हैं, तो इस तरह से केबल को लगा लेंगे। और इस तरफ भी इस केबल को भी लगा देते हैं, और इसके जो ये चारों स्क्रू है उनको वापस कस देंगे। चारों स्क्रू कसने के बाद इसकी जो प्लेट को लेती इसको भी लगा देंगे, और इसके भी सभी स्क्रू को कस देंगे। इसके बाद जिस वो इसके पीछे का जो खोला था कवर इसको भी इस तरह से सेट कर देंगे, और फिर जो इसका ऊपर का कवर है इसको भी यहाँ पर लगाकर इसके भी सभी स्क्रू को कस देंगे। इस तरह से सभी स्क्रू को कस देंगे। फिर ये वाला कवर भी लगा देंगे इसका। आगे वाले कवर को भी इस तरह से सेट कर देंगे, और इसकी डिस्प्ले पैनल वाली केबल इसको भी यहाँ सॉकेट में सेट कर देंगे। इसको सेट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद जो इसका स्कैनर है
इसके अंदर को लगाने के पहले यहाँ पर जो पैनल का अर्थिंग वाला वायर है उसको कस देते हैं, और फिर जो इसका स्कैनर है इसका वायर को इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पर अंदर डाल के इस तरह से निकाल लेंगे और इंच को भी इस तरह से सेट कर देंगे। और फिर जो इसकी इसके अंदर की केबल है इसको भी सॉकेट में यहाँ पर अटैच कर देंगे। और फिर इसके बाद इसको चेक करते हैं तो इसमें लगाएंगे पावर केबल और इसकी कार्टेज को भी यहाँ लगाएंगे। इसमें कार्टेज डालने के बाद अब इसकी फिर से डेमो पेज निकाल कर चेक करते हैं। तो ये डेमो पेज निकल चुका है और देखिए दोस्तों कितनी शानदार क्वालिटी में डेमो पेज निकला है इसका। ये पहले वाला पेपर है तो कितना फर्क आ चुका है इसमें। तो इस तरह से प्रिंटर की सर्विस हो